ओके प्लीज साइलेंस। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमने लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव्स किए थे, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको, क्योंकि आप लोगों को पूरी असाइनमेंट देखनी पड़ेंगी, बहुत टाइम लगेगा आपको करने में, तो जो मेन मेन क्वेश्चन हैं, जो कैटेगरीज हैं और जो टाइप्स हैं, वो मैं लिख के लाया हूँ इसमें। और पुराने पेपर हमने सॉल्व करने हैं प्लस वन में, मेंस के और नीट के जितने भी पेपर्स हैं साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो जो काम करने वाली असाइनमेंट है जिस पे आप वर्कआउट करोगे, मैं नेक्स्ट टाइम आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं फोर्स से। सो न्यूटन के लॉ से स्टार्ट, फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई हम फोर्स ना लगाएं। इससे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। इनर्शिया तीन टाइप के, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। रेस्ट का इनर्शिया ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे वो मूव नहीं करेगी। मोशन ये बोलता है कोई बॉडी मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएगा उसको रोकने के लिए वो नहीं रुकेगी। और ऐसी डायरेक्शन, कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर पाएगी। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स, जिसको बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स, या कोई भी फोर्स। सर्कल में घुमाना है तो सेंट्रिपेटल, नहीं घुमाना, स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, हल्की सी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। सबको मालूम है मास इनटू वेलोसिटी। और न्यूटन के लॉज में सेकेंड लॉ, अगर कोई बॉडी का मास एम है और जो एम, थर्ड बेंच पे आ जाओ पकर, तीसरे बेंच पे जहाँ तीन है, तो न्यूटन का लॉ, अगर मान लो यू वेलोसिटी है, थोड़ी देर में वेलोसिटी वी हो गई, मास एम है, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू है, फाइनल मोमेंटम एम वी है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इसलिए इंक्रीज हुई होगी क्योंकि आपने क्या लगाई, फोर्स। और फोर्स कितनी लगाते हैं, डी पी बाई डी टी, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और कॉन्स्टेंट आएगा डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी में पी इज मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर, डी वी बाई डी टी जो कि क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको मालूम है। एवरेज फोर्स निकालनी है, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, ये फॉर्मूला इंस्टेंट का है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी इंस्टेंट पे है। अगर वर्ड एवरेज आ जाए तो एवरेज के केस में एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी का मतलब टोटल जो है टाइम टेकन, राइट। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनके साथ आ जाओ, ठीक है यहां तक। तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, कोई डाउट इसमें? तो इनमें फर्क है, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है और वो इंस्टेंटेनियस है। किसमें, इसमें ना, ना ये तो किसी इंस्टेंट पे लगाया है। फॉर एनी इंस्टेंट मोमेंटम अगर m इंटू वी है, अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो मैथ्स में क्या बोलते हैं, डी वी से चेंज हो गया। तो ये टोटल, ये किसी दो इंस्टेंट पे नहीं है, बस फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट है डी टी पे, राइट। नेक्स्ट न्यूटन का सेकेंड लॉ ने क्या बताया कि अगर कोई मास 10 kg है और 2 न्यूटन की फोर्स राइट की तरफ है और 10 न्यूटन की लेफ्ट की तरफ है, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली टुवर्ड्स लेफ्ट है और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। तो इस तरीके से लगाना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। थर्ड लॉ सबको पता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम किया था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के लिए हमेशा एग्जाम्पल, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये, एक लिफ्ट वाला, एक लिफ्ट नीचे गिर रही है और मान लो यहाँ पर एक लैंप है और आपने एक इसकी स्ट्रिंग को कट कर दिया, अब ये फ्री फॉल में है, दो लोग हैं, एक लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और एक ग्राउंड पे बैठा हुआ है। ग्राउंड वाले को लग रहा है कि लिफ्ट नीचे फ्री फॉल में है और जो ये मैन वन है इसको ये लैंप के साथ ही नीचे गिर रहा है, तो अगर ये पूछा जाएगा टू नंबर से कि लैंप कहाँ गिर रहा है, तो टू नंबर का मैन बोलेगा गिर रहा है फ्री फॉल में, वन नंबर का मैन बोलेगा कि ये रेस्ट पे है क्योंकि रिलेटिव मोशन इनके बीच में जीरो है, राइट। क्लियर है यहां तक? तो दोनों के आंसर्स में डिफरेंस है, तो न्यूटन ने इसी चीज को समझा और ये कहा कि आंसर वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में। तो उसने कहा कि इस केस में एक टॉपिक को डिफाइन किया जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसने ये बताया कि आप किस फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो, आप लिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो या फिर आप ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो, आपका आंसर वेरी कर सकता है। तो दो तरीके के फ्रेम उसने डिफाइन किए, पहला उसने फ्रेम का नाम क्या दिया, इनर्शियल, और दूसरा क्या नाम दिया, नॉन इनर्शियल। तो उसने क्या कहा कि
अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, मान लो एक लिफ्ट है या फिर एक ट्रेन है या कार है, वो एक फ्रेम है, तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर वो बॉडी रेस्ट पे है, दोनों केस में देर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं होगी इसमें। तो चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो या रेस्ट पे हो, इस टाइप के फ्रेम को क्या बोलते हैं, कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। और उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो हो, यानी कि ट्रेन कार लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन होगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक? तो इस केस में एक्सेलरेशन या तो जीरो होगी या जीरो नहीं होगी, राइट? दो चीजें होंगी, ध्यान आगे प्लीज, दो चीजें होंगी। तो आज के बाद अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि फ्रेम इनर्शियल है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। नॉन इनर्शियल है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन उसकी नहीं है, राइट? ये पहचान है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की, क्लियर है यहां तक? जैसे अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती हुई ऊपर या नीचे आ रही है, वो नॉन इनर्शियल है। अगर आपकी कार एक्सेलरेट करती हुई जा रही है, तो वो भी नॉन इनर्शियल है। तो आप कार में बैठे हैं और वो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ा रही है या स्पीड कम कर रही है, कुछ भी करे, तो वो नॉन इनर्शियल है। तो इसको और समझाने के लिए मैंने ट्रेन वाला एग्जाम्पल लिया। इन तीन एग्जाम्पल के अंदर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले केस में ट्रेन रेस्ट पे है, तो ये कौन सा केस है, इनर्शियल का। ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी इनर्शियल है। ट्रेन की एक्सेलरेशन है 1, तो ये नॉन इनर्शियल है। कोई डाउट इसमें? तीनों केस क्लियर है, पहचान में आ रहा है? तो एक एक्सपेरिमेंट है, आपने एक ब्लॉक को रखा 1 के, ने इसके ऊपर फोर्स लगाई 20 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि खड़ी हुई ट्रेन में बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी आगे जाने की, मान लो ए डैश है। तो आप सिंपल लगा सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर ट्रेन रेस्ट पे, ये मान लो आप ट्रेन के फ्लोर पे काम कर रहे हो या फिर ग्राउंड पे काम कर रहे हो, बात तो एक ही है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है और आप इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो चलती हुई ट्रेन में, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी आप न्यूटन का सेकंड लॉ सीधा लगा सकते हो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर एकदम सही आएगा। लेकिन अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि फ्रेम नॉन इनर्शियल है, तो अगर आप फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे, आपका आंसर गलत आएगा, राइट? तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और न्यूटन ने कहा था पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, इनर्शियल। नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाने के लिए एक फोर्स को लेना पड़ता है, नॉन रियल फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लेने के बाद आपके आंसर सही आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर है? तो आप इमेजिन भी कर सकते हो, जब आप एक कार में जा रहे हो और मान लो एक डायरेक्ट कॉपी पड़ी, आप एक्सेलरेट कर, वो कॉपी आपके ऊपर आके गिरती है, आपने तो फोर्स नहीं लगाई ना। और ऐसा तब होता है जब आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो। अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कार चल, तब नहीं गिरेगा। तो ऑब्वियसली ये जो नॉन रियल फोर्स है, सूडो फोर्स, ये अपना रोल ही तब प्ले करेगी जब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी, यानी कि नॉन इनर्शियल होगा, राइट? तो इस नॉन रियल फोर्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है यहां तक? देखो, तो सेम एग्जाम्पल है, एक्सेलरेशन 1 है ट्रेन की, और मान लो 1 kg है और 20 न्यूटन, सेम है। सूडो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका, किस पे निकलेगी सूडो फोर्स, ट्रेन पे निकलेगी, नहीं निकलेगी ट्रेन पे, जो अंदर सामान है ऊपर या अंदर उसके ऊपर लगेगी, तो ऑब्जेक्ट पे लगेगी। तो ऑब्जेक्ट पे कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अगर आपकी कार ऐसे जा रही है तो कॉपी पीछे ही गिरेगी, पक्की बात है, आगे नहीं गिरेगी। तो यानी कि अगर ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी, कितनी लगेगी, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू ट्रेन की एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गाड़ी की लेनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास लेना है। तो यानी कि अगर यहां पर 1 kg है, तो पीछे की फोर्स, सूडो फोर्स, जो सूडो फोर्स है, कहां लगेगी, पीछे लगेगी, और कितनी लगेगी, ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और इनटू ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी है, 1। तो अब अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, तो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 20 न्यूटन की फोर्स आगे तो एक्ट कर ही रही है जो आप लगा रहे हो, और सूडो फोर्स भी मैंने कंसिडर किया, कितना, 1 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
अब आप न्यूटन का सेकेंड लॉ यहां एप्लीकेबल है, आपका फ्रेम जो पहले नॉन इनर्शियल था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, इनर्शियल में कन्वर्ट हो चुका है, तो नेट फोर्स इज 20 माइनस 1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा, क्लियर। तो जिन क्वेश्चंस में क्या होगा, जिन क्वेश्चंस में कोई कार या कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उनके अंदर आपको सूडो फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तो ही आपके सही आंसर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको और समझते हैं कैसे लगेगी, क्लियर है यहां तक? पारस फिर से बोल, पीछे क्यों लगती है? देख ये तो इनर्शिया की प्रॉब्लम है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है, कॉपी कहती है मैं रेस्ट पे रहना चाहती हूँ, कार कहती है मैं तो चल पड़ी, कार कहती है मैं तो चलती हूँ आगे, कॉपी कहती है मैं नहीं चलना चाहती, अगर मैं भी खड़ा हूँगा मैं भी कहाँ गिरूंगा, पीछे गिर जाऊंगा, कार का फ्लोर चल पड़ता है और मैं, ये इनर्शिया की प्रॉब्लम है, राइट। तो न्यूटन ने इनर्शिया और सब रिलेट किया ना, तभी तो सूडो फोर्स आई। और वैसे भी एक बात बताता हूँ, इस टाइम ये टाइम नहीं अब समझने आ गई सूडो फोर्स क्यों लगती है, 2 महीने के अंदर अब हम रिसर्च नहीं कर सकते, याद रखना, अब हम सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते हैं। सूडो फोर्स होती है और इतनी होती है यहाँ लगती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, अब वो टाइम गया, वो मजे लेने वाला कैसे हुई ऐसे हुई कुछ नहीं है, अब सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो अगर आपका न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, एक कार जा रही है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो जो गाड़ी के अंदर जो टैंक है में पानी पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगी, उसका लेवल सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने इस गाड़ी को क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी, तो पानी का लेवल पीछे की तरफ ऊपर हो जाएगा और आगे से नीचे हो जाएगा, और ये डायग्राम होगा, क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? तो अगर ये रूम को भी अगर एक्सेलरेट करते हैं सारे स्टूडेंट्स पीछे इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर खाली हो जाएंगे, अगर मतलब बहुत सूडो फोर्स होगी तो, ठीक। कनेक्टेड मोशन की प्रॉब्लम आया करती थी, याद करो, कनेक्टेड मोशन में ब्लॉक्स की प्रॉब्लम है 5 kg and 2 kg। तो एग्जाम्पल है, मैंने इस और इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, मैंने 10 newton की फोर्स मैंने आगे लगाई, पूरा सिस्टम आगे चल पड़ा, स्ट्रिंग मैंने मासलेस लेनी है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो यहाँ पर टेंशन TNT इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, याद रखना। तो 2 kg का ब्लॉक 5 kg को अपनी तरफ खींच रहा है टी, और 5 kg का 2 kg को अपनी तरफ खींच रहा है टी, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही लगती है। डायग्राम बनते हैं, पर अब हम इतना टाइम नहीं होता ऑब्जेक्टिव में फ्री डायग्राम बनाने का, तो सीधा ही करते हैं। इसके लेफ्ट और राइट की फोर्स बताओ कितनी है, राइट की कितनी है 10, लेफ्ट की कितनी है टी, इसके राइट और लेफ्ट बोलो 5 kg के राइट कितनी है टी, लेफ्ट कितनी है 0, तो इसका इसका इस, ये कहां मूव कर रही है, राइट। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितनी है टी, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है a, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, टी इज इक्वल टू 5 into a। सेकंड इक्वेशन कहां मूव कर रही है, सेकंड ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, राइट, तो राइट की फोर्स कितनी है 10, लेफ्ट की फोर्स कितनी है टी, अल्टीमेटली कहां मूव कर रहा है ये, राइट, तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, राइट की लेफ्ट, राइट, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना और टी और ए कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है, टेक्निक समझ में आई कैसे करना है, परस क्लियर है अंकित? उसी तरीके से जैसे सपोज ये सेम क्वेश्चन है, इस बार मैंने यहां 1 newton 10 newton लगा दिया, दिस इज 5 and 2 kg और सिस्टम कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस केस में टी एंड टी टेंशन हो जाएगी, इसमें वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये इसकी मोशन मेरी तरफ है, तो 10 इज ग्रेटर देन टी, तो नेट फोर्स इज 10 माइनस टी, 10 माइनस टी इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। सेकंड ये कहां मूव कर रहा है, मेरी तरफ, तो टी शुड बी ग्रेटर देन 1, तो टी माइनस 1 इज इक्वल टू 2 into a, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। सॉल्व नहीं कर रहा पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करते थे कनेक्टेड मोशंस, राइट। अब सपोज करो 2 blocks की बजाय कितनी ब्लॉक्स आ जाती हैं, 3 blocks आ जाते हैं, अगर 3 blocks आते हैं और 100 newton की यहां फोर्स है, 2 रस्सियां 2 tension, 2 strings 2 tension, 1 tension नहीं, कहने का मतलब ये नहीं कह सकते यहां भी टी एंड टी यहां भी टी एंड टी, ना, यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2। इस रस्सी पे जोर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इसने 5 और 1 kg दोनों को खींचना है, इस पे जोर कम पड़ेगा क्योंकि इसने सिर्फ 1 kg को खींचना है, तो टेंशन जब अलग अलग ब्लॉक्स में लगी होती है उसमें कभी भी सेम नहीं होती, लेकिन होती पेयर में है, तो यहां पर टेंशन T1, यहां पर टेंशन T2। कोई डाउट इसमें? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये आगे जा रहा है टूवर्ड राइट, तो 100 इज ग्रेटर देन T1, तो नेट फोर्स इज 100 माइनस T1 is equal to mass into acceleration. इसकी फोर्स बोलो, ये कहां जा रहा है, राइट की लेफ्ट, राइट, तो T1 is greater than, तो राइट की फोर्स
होगी, तो नेट फोर्स बोलो टी वन माइनस इंटू एक्सेलरेशन, ये भी कहां जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो टी टू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तीन इक्वेशंस आ गई वाली, इनको साइमल्टेनियस न्यूमेरिकल में सॉल्व करके टी वन टी टू एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि तीन इक्वेशन चाहिए तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट, पुली वाला केस किया करते थे। पुली वाले केस में क्या करते थे कि मान लो एक 7 केजी एक 5 केजी है, 5 केजी ब्लॉक मान लो ऊपर जा रहा है, 7 नीचे आ रहा है, तो नीचे की फोर्स कितनी है 7g, इसकी 5g, टेंशन TNT, तो इसकी इक्वेशन क्या लगेगी? ये नीचे जा रहा है 7g माइनस टी 7a, और इसकी इक्वेशन ये ऊपर जा रहा है, तो t इज ग्रेटर देन 5g, तो t माइनस 5g इज 5a। दो इक्वेशन आ गई, टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड राइट। सेम क्वेश्चन है M1 M2 के साथ है, ये नीचे जा रहा है मान लो ये ऊपर आ रहा है, इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन बोलते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल में एटवुड मशीन आए तो इसका मतलब पुली की प्रॉब्लम है। तो ये कहां आ रहा है? नीचे। इक्वेशन बोलो M2G माइनस T इज M2A, ये कहां जा रहा है? ऊपर, तो T माइनस M1G इज M1A राइट। इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन। कई लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करते हैं, तो ऐसे कर सकते हो, ये कहां जा रहा है? नीचे, तो M2G माइनस M1G, देखो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, ये डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, तो फॉर्मूला बन जाएगा। और इन्हीं को अगर टेंशन के लिए सॉल्व करोगे तो टेंशन की वैल्यू आएगी 2M1 M2G बाय M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला याद किया जा सकता है टेंशन का, ये याद करना है। क्लियर यहां तक? पुली के इस हिस्से में टेंशन इससे हमेशा डबल होती है, याद रखना, इसको थ्रस्ट ऑन पुली बोला जाता है। तो थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस द टेंशन 2t, और टेंशन किसके इक्वल है? इसके इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? तो आंसर थ्रस्ट ऑन पुली। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अगर दो की जगह तीन ब्लॉक्स लगे हों 5, 2 एंड 1, तो इसका वेट कितना? 5g, इसका वेट कितना? 2g, इसका वेट कितना? 1g। इस स्ट्रिंग में टेंशन TNT और टेंशन पेयर में होती है, ऐसे कर सकते हो TNT TNT, ऐसी इसमें भी T' एंड T'। तो सबसे पहले 5kg कहां जा रहा है? मान लो नीचे आ रहा है, तो 5g इज ग्रेटर देन T, तो इक्वेशन बोलो 5g माइनस T इज 5a, ये कहां जा रहा है? ऊपर, तो इसके ऊपर की कितनी फोर्स है? T, और नीचे कितनी है? 2g और T', तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें? ये ऊपर जा रहा है तो टी, मैंने उल्टी बना दी, प्लीज करेक्शन कर लो इसमें, क्योंकि ये ऊपर नहीं, नहीं किसमें ना ना फ्री बॉडी डायग्राम बन रहे हैं, फ्री बॉडी के अंदर या तो ऊपर और नीचे की ही फोर्सेस देखते हैं, इसकी इक्वेशन अलग बनेगी, तो मैंने उल्टा ये अज्यूम कर लिया नीचे जा रहा है, प्लीज इसको ठीक करो, इसको रिवर्स कर लेना, तो लिखो टी माइनस 2g माइनस T', यानी कि इसको रिवर्स कर लो ना, इसको माइनस कर लो और इसको प्लस कर लो, बस ये प्लस होगा और ये माइनस, क्योंकि ये कहां जा रहा है? ऊपर, तो टी माइनस दीज टू फोर्सेस, ये स्टेप क्लियर है? टी माइनस 2g प्लस T' इज इक्वल टू मास इनटू एक्स, कुछ नहीं करना, ये प्लस और ये माइनस कर लो बस। क्लियर यहां तक? अच्छा, ये ब्लॉक भी कहां जा रहा है? ऊपर, तो कौन बड़ा? T' की 1g, तो T' माइनस 1g इज 1 है, तो अलग अलग इक्वेशन बनानी है, तो इसको प्लीज इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लेना, ले तो सकते हैं, पर अब मैंने यार ऐसे ज़ूम कर लिया ना ये नीचे, तो वो ठीक नहीं लगता, वो उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये सही है, ये ऐसे और ऐसे जाने दो, इसे एक डायरेक्शन मानो जो माननी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो प्लीज ये प्लस टी, ये प्लस T' और ये माइनस 1g कर लेना। क्लियर यहाँ तक? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? क्या चीज? थ्रस्ट 2t, 2t यहाँ की टेंशन का डबल होता है, T' का कोई रोल नहीं होता, यहाँ टेंशन इसकी वजह से ज्यादा आनी है, तो 2t बोलना है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, सपोज करो ये दो केसेस हैं, पहले केस में दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं M1 M2, और दूसरे केस में M2 तो लगा हुआ है, M1 नहीं लगा हुआ, लेकिन फोर्स में अपने हाथ से लगा रहा हूं कितनी? 1g, देयर इज नो मास M1, तो ये तो वही केस है जो भी किया मैंने, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? M2g, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, M2g माइनस M1g डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अच्छा, इस केस में सेम, बड़ी फोर्स कितनी है? M2g, छोटी फोर्स कितनी है? M1g, डिवाइडेड बाय, जब टोटल मास की बारी आएगी तो M1 तो है ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा मास आएगा?
एम टू, यही फर्क है इन दोनों के अंदर। फिर मैंने इसको थोड़ा और मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश की, कहीं कैसे समझ में नहीं आता वैसे कर लें, ये फोर्स, ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, तो इसकी इक्वेशन नॉर्मल वही बनेगी एम टू जी माइनस टी इज एम टू ए, ये बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर, तो टी माइनस एम वन जी, टी माइनस एम वन जी, पर मास कहाँ है, फोर्सेस तो है, मास तो है ही नहीं, तो मास नहीं है तो जीरो इंटू एक्सलेशन, तो अल्टीमेटली टी किसके इक्वल आएगा एम वन जी, तो टी को जब यहां पुट करेंगे तो एक्सलेशन का सेम फॉर्मूला आ जाएगा, तो आएगा, तो शॉर्टकट ही ठीक है कि बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे, उसको टोटल मास से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें मास नहीं है, तो देखने में एम वन जी जरूर है, वो एम वन जी के फोर्स के इक्वलेंट फोर्स है, एम वन जी मास नहीं लगाया आपने, तो टोटल मास यहां पर क्या काउंट होगा, क्लियर यहां तक, तो उसमें दोनों मास काउंट होंगे, इसमें सिर्फ एक मास, क्योंकि ब्लॉक ही एक है, आप ये ना सोचे कि एम वन जी फोर्स लगाई तो एम वन जी तो है, एम वन जी कंफ्यूज करने के लिए एफ को अगर मैं यहां 10 न्यूटन दे देता, सिर्फ 10 न्यूटन, तो फिर मास कहां से लाते, तो ये सिर्फ वैल्यू है, फोर्स एम वन जी देखने में सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज ये न्यूटन में कोई 10 न्यूटन 15 न्यूटन वैल्यू दे सकता था आपको, क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट फोर्स की, सपोज 10 और 5 केजी, आपने यहां से फोर्स लगाई 100 न्यूटन, ये अंदर ही अंदर आपस में कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगे ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि 10 केजी 5 केजी को पुश करेगा और 5 केजी बाय बदले में रिएक्शन लगाएगा, तो मान लो इनकी आपस में कॉन्टैक्ट फोर्सेज एफ एंड एफ, सिस्टम आगे मूव कर रहा है विद ए, तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा 10 केजी के इस तरफ कितनी फोर्स है 100 और इधर से 5 केजी कितनी लगा रहा है एफ, और अगर 5 केजी को भी इस तरफ कितनी फोर्स मिल रही है एफ, तभी तो 5 केजी भी राइट जा रहा है, तभी राइट जा पा रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है इनके, तो इसमें कौन बड़ा, ये सिस्टम कहां जा रहा है आगे, तो कौन बड़ा 100 की एफ 100, तो नेट फोर्स बोलो 100 माइनस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस केस में एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। उसी तरीके से अगर दो की जगह तीन ब्लॉक्स हैं, दो की जगह जब तीन ब्लॉक्स हैं 100 न्यूटन 5 2 और 1 केजी, तो इन दोनों में कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है एफ डैश है, एफ डैश है, और इनमें कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है एफ एंड एफ है, डिफरेंट ही होगी, जैसे रस्सी में टेंशन डिफरेंट होती है वैसी इसके अंदर भी फोर्स डिफरेंट होगी, कोई डाउट इसमें, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसके राइट की तरफ फोर्स कितनी है 100, इसके लेफ्ट की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है 2 केजी एफ डैश, 2 केजी के राइट की तरफ 5 केजी कितना लगा रहा है एफ डैश, लेकिन बदले में 1 केजी से क्या मिल रहा है इसे एफ, और लास्ट में 1 केजी कहां जा रहा है राइट, तो क्यों जा रहा है क्योंकि इसको कितनी फोर्स मिल रही है, क्लियर है यहां तक, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट की फोर्सेस ड्रॉ कर ली इसमें, तो क्योंकि ये राइट जा रहा है तो ये बड़ा और ये छोटा, तो बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस 100 माइनस एफ डैश इज 5 इंटू ए, ये भी राइट जा रहा है तो एफ डैश माइनस एफ इज 2 इंटू ए, ये भी राइट जा रहा है तो एफ इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, एफ एफ डैश और ए कैन बी कैलकुलेटेड, बोलो। हाँ कॉन्टैक्ट फोर न्यूटन थर्ड लॉ का ही रिजल्ट है, अगर एक एफ लगाएगा दूसरा भी बदले में एफ ही लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ही एप्लीकेबल है इसमें, डाउट है काफी किसी स्टेप में, हाँ जी ठीक है, यहाँ तक घर जाके रिवाइज करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, मतलब पर ये है कि आप, आपको लिखने की टेंशन नहीं है तो आपके नोट्स ये सारे मेरी ऑब्जेक्टिव शीट्स ही हैं, सच बताऊं जो मैंने आपको लास्ट पे सारी करवाई थी, पर आप इतना नहीं कर पाओगे कि आपको, आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं और कौन सा करूं, तो आप तो हर ट्राई करोगे तो आपके तो 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, मैं मेन मेन सारे क्वेश्चन लिख के लाऊंगा और शीट्स भी दे दूंगा जो जो इसमें की जा सकती है, आपकी शीट्स होंगी भी, बाकी सब कुछ शीट तो दूंगा ही, खैर सिलेक्टेड क्वेश्चन की शीट दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, और मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, पुराने पेपर करने हैं, हमने पुराने पेपर टाइप करा के मैं आपको दूंगा, लेटेस्ट पेपर 3 साल के, मेडिकल वालों को मेडिकल के और नॉन मेडिकल वालों को, ये 3 साल के पेपर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस स्टाइल में आता है, बहुत बड़ी बात है, आपको ना डीप, मतलब आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, फिर आप जब पढ़ेंगे ना तो आप आलतू फालतू क्वेश्चन करने बंद कर देंगे उस चक्कर में, और वहीं इंसान फंसता है, और क्या पेपर थोड़ा मुश्किल आता है, पेपर में तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम गांव देखने चले जाते हैं और लाल किले का क्वेश्चन है, फिर वही दिक्कत हो जाती है, ठीक
ठीक है, तो प्रॉब्लम सारी यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम नहीं खराब करना, बॉल लिमिटेड है याद रखना, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास। स्ट्रिंग अगर मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस ही होती है, तो 5 kg का अगर ब्लॉक है तो नीचे 5G, तो यहाँ टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में, राइट है ना, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये इक्वल टू 5G, दैट्स इट, ना ऊपर ना नीचे, तो टेंशन 5G के इक्वल है, क्लोज। लेकिन अगर मान लो स्ट्रिंग का भी मास है, अब रस्सी का मास लेंगे और रेस्ट पे है सिस्टम, 5 kg का ब्लॉक अभी भी है, रस्सी का मास कितना है 10 kg और लेंथ कितनी है इसकी 10 meter। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप टेंशन निकालेंगे, जब स्ट्रिंग का मास है, टेंशन उस ऊपर वाले केस में तो हर पॉइंट पर सेम आती है, मासलेस स्ट्रिंग में सेम आती है, लेकिन जब स्ट्रिंग का मास लेना है तो टेंशन सेम नहीं आएगी, टेंशन हर पॉइंट पर डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि जब यहां टेंशन पूछी जाएगी तो इस रस्सी का ये प्लस 5 kg, जब यहां पूछी जाएगी तो पूरी रस्सी का वेट प्लस 5G, अगर यहां पूछी जाएगी तो इतनी रस्सी का वेट प्लस 5G, तो ऑब्वियसली रस्सी का वेट, स्ट्रिंग का वेट हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है, तो टेंशन भी हर पॉइंट पर वेरी करेगी। तो यहां अगर टेंशन निकालनी है तो इतनी रस्सी का वेट निकाल लें, पर इसका मास निकालना पड़ेगा। पूरी रस्सी का, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर 10 meter है तो मास 10 kg है, गिवन है, 1 के लिए इतना है, 8 meter की रस्सी है तो 8 kg, kg लगा लेना प्लीज, 8 kg, क्लियर है यहां तक? तो 8 meter की स्ट्रिंग जो है उसका मास कितना है 8 kg, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक, पीछे क्लियर है, 8 kg। तो बोलो फिर टेंशन क्या होगी, वेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 meter, 8 meter की रस्सी का वेट प्लस 5G, तो 8 meter का मास कितना है 8 kg, तो वेट कितना आएगा 8 × mg, और 5 kg के लिए 5G, तो टोटल टेंशन कितनी आ जाएगी 13G। अब अगर वो पॉइंट चेंज करता है 9 meter या 7 meter या 6 meter, तो आपका फर्क सिर्फ यहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, तो आप उसका पहले मास निकालेंगे, फिर उसका वेट निकालेंगे, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, मास नहीं है, और ये पूरा सिस्टम ऊपर मूव करवा रहा हूं मैं सीलिंग के साथ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1, अब टेंशन बताओ, तो देखो अब टी 5G के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो टी शुड बी ग्रेटर देन 5G। देखो क्योंकि जब एक्सेलरेशन होती है तो उस केस में, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाता दिखाई देगा, तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन नीचे की फोर्स, तो ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब ये रेस्ट पे था तो एक्सेलरेशन क्या थी 0, तो इसको 0 पुट करते थे तो टी किसके इक्वल आता था 5G। पिछला केस है टेंशन 5G आती थी, पर एक्सेलरेशन के केस में आपको लगाना पड़ेगा टी माइनस 5G इज 5A, टी इज इक्वल टू 5G प्लस 5A, जी पता है आपको, ए पता है आपको, टेंशन कैन बी कैलकुलेट। डिफरेंस समझ में आ रहा है जब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता तो भी एक्सेलरेशन क्या होती 0, तो भी टी किसके इक्वल होता 5G। पॉइंट्स क्लियर है यहां तक? चारू क्लियर है? पीछे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हमने इंक्लाइन प्लेन किया, इंक्लाइन प्लेन में क्या करते थे, मान लो एंगल कितना था 30 डिग्री, ये कितना है 5 kg, ये कितना है 7 kg, तो मान लो ये नीचे आ रहा है विद अ वेट ऑफ 7G, टेंशन मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, TNT TNT, राइट, टेंशन चेंज नहीं करनी जब स्ट्रिंग मासलेस है। तो इसका एक कॉम्पोनेंट 5G, ये 30, तो याद रखना ये भी 30 होता है, तो 5G का एक कॉम्पोनेंट 5G cos 30, 5G sin 30, 5G sin 30 कभी ऊपर नहीं बनता, हमेशा इंक्लाइन प्लेन के नीचे ही बनता है। तो ये कहां जा रहा है नीचे, तो नीचे की फोर्स ऊपर की फोर्स से बड़ी, तो बोलो कितना 7G माइनस टी इज 7A, ये कहां जा रहा है ऊपर, तो टी शुड बी ग्रेटर देन 5G sin 30, क्योंकि इधर जा रहा है, तो इक्वेशन बोलो टी माइनस 5G sin 30 इज इक्वल टू 5 × साइमल्टेनियस सॉल्व करके ANT कैन बी कैलकुलेटेड। N, हाँ N की वैल्यू इसमें 5G cos 30 होगी, रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, वो तब रिक्वायर्ड होगी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन में चाहिए होती है, ऐसे नहीं चाहिए आपको, आएगी वो भी आगे आएगा, आएंगे क्वेश्चंस, यूज करेंगे, चिंता ना करो, अभी बेसिक से स्टार्ट हो रहे ना, जीरो से, तो धीरे धीरे अपने आप यूज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ओके, फिर याद करो लिफ्ट के कुछ केसेस किया करते थे, लिफ्ट की प्रॉब्लम बहुत आती थी कि अगर कोई मैन लिफ्ट में है, तो लिफ्ट के 3 केस हैं, पहला लिफ्ट किस पे है एट
रेस्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन एन है और वेट मैन का एम जी है, तो ये इनर्शियल फ्रेम है वैसे तो एन किसके इक्वल है, एम जी, केस क्लोज। नॉर्मल रिएक्शन अगर वो अपना वेट मेजर करेगा तो उसका वेट एम जी के इक्वल ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सलरेट कर रही है तो मैं मेथड वन से कर रहा हूँ, मेथड वन में मैं यहाँ बेंच आपके साथ बैठ के इस पूरी इसको देखूंगा ऊपर जाते हुए, मैं लिफ्ट के अंदर जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैन को जाने दूंगा लिफ्ट के अंदर ऊपर और खुद लिफ्ट के बाहर ग्राउंड पे खड़ा हूँ आपके साथ, यहाँ पे आप भी ग्राउंड पे ही हो, तो आपको क्या लगेगा, लिफ्ट को छोड़ो, आपको लगेगा वो देखो मैन ऊपर जा रहा है, आपको शीशे की लिफ्ट है मान लो, आपको देखो मैन ऊपर जा रहा है, तो किसी ने पूछा मैन ऊपर जा रहा है कौन सी फोर्स है, आप कहोगे एक एम जी और एक एन लग रही है, और मैन ऊपर जा रहा है तो आपको लग रहा है कि वो ऊपर क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, तो आप लोग क्या बोलेंगे, मुझे लगता है कि एन बड़ा होगा एम जी से तभी तो मैन ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो एन की एन इज इक्वल टू एम इन टू जी प्लस ए, तो ये शॉर्टकट है आज के बाद, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, एम इन टू जी प्लस ए, अगर एक्सेलरेट करती हुई जाएगी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, तो आंसर फिर से क्या जाएगा, तो क्वेश्चन आएंगे बताओ एपरेंट वेट कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन को ही क्या बोलना है, एपरेंट वेट, और अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो आप कहोगे देखो मैन नीचे आ रहा है, अगर मैन नीचे आ रहा है तो एम जी शुड बी ग्रेटर देन एन, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एन फॉर्मूला क्या बनेगा, एम इनटू जी माइनस ए, तो एपरेंट वेट कम हो जाएगा उस केस में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर आपने ये लिफ्ट एक्सेलरेट करवाई पर सूडो फोर्स नहीं लिया, ठीक है मैंने ग्राउंड के फ्रेम से काम किया, अब मेथड टू से किया इसे, देखो मेथड टू विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब मैं आपके साथ बैठ के काम नहीं करूंगा, अब मैं उस बंदे के साथ साइड साइड पे खड़ा हो जाता हूं और अब काम करता हूं, मतलब लिफ्ट के अंदर उसकी मेजरमेंट लेने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैन ऊपर जा रहा है, अब मैं कहूंगा मैन किस पे है, एट रेस्ट है, तो उस केस में न्यूटन ने क्या कहा था, अगर लिफ्ट के अंदर जाके काम करना है और वो एक्सेलरेट कर रही हो तो फिर ले लेना क्या, सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स में पहली बात अगर रेस्ट पे है नो सूडो फोर्स, एन इज इक्वल टू एम जी केस क्लोज, पर अगर ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट करता हुआ और मैन का अगर डायग्राम बनाने को कहे तो फिर एन एम जी के साथ क्या लगेगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैन पे सूडो फोर्स कहां लगेगी, नीचे, कितनी लगेगी, मैन का मास इनटू लिफ्ट की एक्सेलरेशन, पर आप क्योंकि लिफ्ट के अंदर खड़े होकर मेजरमेंट ले रहे हो आप कहोगे मैन तो रेस्ट पे है, और अगर मैन रेस्ट पे है तो ऊपर नीचे की फोर्स से आप क्या बोलेंगे, सेम है, तो एन किसके इक्वल आएगा, एम जी प्लस, आंसर सेम आएगा, तो बाहर से अगर आप बाहर खड़े हो और मैं कार चलाता हूं तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि सूडो फोर्स लग रही है, आप तो कहोगे देखो सर चले गए, लेकिन अगर आप कार में बैठे हो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार इनके ऊपर तो सूडो फोर्स भी लग रही है, क्योंकि आप कार में बैठोगे तो ही फील कर पाओगे सूडो फोर्स, पॉइंट समझ में आ रहा है, ग्राउंड पे खड़े होकर सूडो फोर्स एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकती, राइट, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऐसी अगर मान लो लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे, और आप लिफ्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको लगेगा मैन रेस्ट पे है, पर आप साथ में क्या फील करोगे, सूडो फोर्स, तो एन और एम जी तो रहेंगे पर क्योंकि अब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो मैन पे सूडो फोर्स, ऊपर एम ए, और आपको लगेगा मैन तो रेस्ट पे है लिफ्ट के अंदर, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू एम जी, तो एन आंसर सेम आएगा, आपको मेथड वन पसंद है वन कर लो कोई टेंशन नहीं, टू पसंद है टू कर लो तो भी कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी कर लो दोनों से आंसर सेम ही आना है, अगर आपको वन पसंद है सूडो फोर्स नहीं लेनी मत लो, ऐसे सॉल्व कर लो, पर प्लीज फॉर्मूला जरूर याद कर लो, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एम इंटू जी प्लस है और अगर नीचे आएगी तो एम इंटू जी माइनस है, बस वो कैसे सॉल्व किया किसी ने नहीं पूछना, ये एंड रिजल्ट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, मान लो अब ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करने की बजाय क्या करती है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एम इंटू जी माइनस है अगर लिफ्ट नीचे आती है, पर यहाँ पर अब माइनस नहीं, अब यहाँ पर रिटार्डेशन की वजह से ए के आगे भी साइन माइनस लगेगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इंटू जी प्लस है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन फॉर्मूला ये याद रखो, क्वेश्चन में अगर रिटार्डेशन माइनस टू माइनस फोर बोल रहा है तो बस इस ए की जगह माइनस टू माइनस फोर पुट करोगे ऑटोमेटिकली आंसर प्लस में आ जाएगा, क्लियर है यहां तक, तो पढ़ना पड़ेगा कि लिफ्ट रिटार्ड कर रही है या लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, कोई डाउट इसमें, सपोज करो ये एक क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन का, थीटा एंगल पर इंक्लाइन प्लेन है
और ब्लॉक नीचे आ रहा है और ऑब्वियसली कितनी फोर्स, फ्रिक्शन तो है नहीं, कितनी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जी साइन थीटा। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, बताओ ये कितने टाइम में नीचे आया, तो यू जीरो था, इसको ड्रॉप किया मतलब उसको रिलीज किया, तो नीचे की एक्सेलरेशन पता है, तो यू कैन अप्लाई एस इज जीरो प्लस हाफ ए की जगह जी साइन थीटा, टाइम आ जाएगा, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, टाइम आ गया। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन पूछा गया कि ये सेम क्वेश्चन में फिर टाइम निकालो ब्लॉक के नीचे आने का, पूरा सिस्टम नीचे की तरफ अब क्या कर रहा है, एक्सेलरेट लिफ्ट में डाल दिया, अब टाइम बताओ नीचे आने का। आपने सेम फॉर्मूला, प्रीवियस प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्लियर है, अब लिफ्ट को भूल जाओ, बस आप ये देखो कि क्या फॉर्मूले में जी आ रहा है, जी आ रहा है, कुछ नहीं चेंज करना, जी की जगह जी माइनस ए, जैसे वेट एम जी होता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर वेट क्या हो जाता है, एम इन टू जी माइनस ए। ऐसी जो भी फॉर्मूला है जहां आपको जी दिखेगा जी माइनस ए, बाकी कुछ करने की जरूरत, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करना। ऐसी अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जी प्लस ए। आप जैसे भी काम ग्राउंड पे करते हैं, ये सिर्फ यही नहीं, जैसे टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला होता था उसमें प्रॉपर्टीज में, एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा बाय आर रो जी, वो पानी कितना राइज होता है कैपिलरी के अंदर, जिन जिन फॉर्मूला में जी आता है वो बार बार पूछेगा, उसको लिफ्ट में डाल दो, आपको कुछ नहीं करना, सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, या तो जी माइनस ए कर देना एंड में या जी प्लस, न्यूमेरिकल द्वारा सॉल्व नहीं करना। क्लियर यहां तक, तो शॉर्टकट याद रहेगा, ठीक। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, आप इंक्लाइन प्लेन को अगर धक्का नहीं मारते तो पक्की बात है फ्रिक्शन नहीं है, ये छोटा एम नीचे स्लिप होता हुआ नीचे आएगा ही आएगा, गिर जाएगा। क्वेश्चन है कि बताओ कितनी एक्सेलरेशन इसको दी जाए इंक्लाइन प्लेन को, कि छोटा एम जैसे जहां पड़ा है वहीं का वहीं रहे। तो छोटे एम को कौन नीचे लेके आएगा, एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम जी कॉस एम जी साइन, तो कौन नीचे लेके आ रहा है, एम जी साइन। पर क्योंकि ये कार की तरह काम कर रहा है इंक्लाइन प्लेन और कार का सामान ये पड़ा है, तो कार एक्सेलरेट करेगी तो सामान पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये वेज की एक्सेलरेशन ए है तो इसके ऊपर जो मास एम है इस पे सूडो फोर्स कहां लगेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्लियर है, एम ए ये थीटा, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एम ए के दो कॉम्पोनेंट है, एम ए कॉस एम ए साइन, नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आप चाहते हो ये यहीं पे यहीं रहे तो नीचे और ऊपर की फोर्स मस्ट बी सेम, तो नीचे की फोर्स कितनी है एम जी साइन, ऊपर की फोर्स कितनी है एम ए, इक्वेट करो तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, जी टैन थीटा। फिर से ये वेज आगे जा रहे थे तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स पीछे वेज के ऊपर यहां लगाएगा, इसके दो कॉम्पोनेंट ले लिए, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो इसके दो कॉम्पोनेंट में एम ए थीटा एम ए। तो अगर चाहते हो नीचे ना आए तो इसको ये अगर कैंसिल करेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, तो नीचे नहीं आएगा। तो यहां से ए कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। फिर से एक बार, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग पे अभी अभी क्वेश्चन किया, 10 केजी का अगर ब्लॉक लटका दिया जाए और रेस्ट पे है तो टी किसके इक्वल होगा, एम जी, टेंशन एम जी के इक्वल होगी, टेन जी। सेम क्वेश्चन चेंज करके ऐसे आएगा, ये आपके पास कोई वेइंग बैलेंस है, वेट मेजर करता है, अंदर स्ट्रिंग जा रही है, रस्सी जा रही है, स्प्रिंग जो भी जा रहा है, रस्सी जा रही है, मासलेस है और नीचे 10 केजी है। तो देखो क्या फर्क पड़ता है, रस्सी की टेंशन मेजर की जाती है, जो जितनी भी टेंशन है वही आंसर होता है। तो अगर यहाँ 10 जी है तो यहाँ पे भी रीडिंग 10 जी और 10 जी ही आएगी, क्योंकि इसका वेट हमने कंसिडर नहीं किया। तो सारी मशीन्स उतना ही आंसर मेजर करेंगी जितना स्ट्रिंग कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में बेसिक क्या होता है मेजरमेंट का, स्ट्रिंग की टेंशन मेजर करने का होता है। और क्योंकि आप इन चीजों का मास तो नहीं, टेंशन की वैल्यू रिमेन सेम, तो सारों की रीडिंग 10 जी ही लिखनी है। पूछ लो पूछ लो, रस्सी एक ही जा रही है ना इसके अंदर से, ये ऐसे नहीं है, ये एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है सारा, कहानी एक स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग एक है। पूछो पूछो, ब्लॉक्स डिफरेंट थे ना,
10 केजी, 5 केजी, 2 केजी, इसमें ब्लॉक तो दिखा रहा हूं ना, अंदर से रस्सी तो एक ही निकल गई ना, मास होगा, अगर स्प्रिंग बैलेंस का मास होगा तो यहां टेंशन इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट, ऐसे होगा, फिर आएगा ही नहीं इतना कॉम्प्लेक्स ना आएगा, स्प्रिंग का मास यही आएगा, टेंशन कितने बताता हूं ना, सारे क्वेश्चन लिखे तो लाया हूं स्प्रिंग बैलेंस के, देखो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस कोई मास नहीं, प्लीज ध्यान आगे, ये टेंशन है पूरी, मतलब रस्सी दिख नहीं रही, रस्सी पूरी ऐसे जाएगी, तो यहां 20 केजी या 10 केजी का रीडिंग बताओ क्या आएगी, भाई आपने टेंशन मेजर करनी है बस और कुछ नहीं करना, छोड़ो स्प्रिंग बैलेंस को, फाइन टेंशन, तो टेंशन कैसे करते हैं, टीएनटी टीएनटी एक ही रस्सी जा रही है, इसका मास तो है नहीं तो टेंशन चेंज तो होगी नहीं, तो ये कहां जाएगा नीचे, ये कहां आएगा ऊपर, एक्सेलरेट करेगा, तो 20 जी माइनस टी इज 20 ए, इसके लिए टी माइनस 10 जी 10 ए, दो इक्वेशन लिखो, इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ए और टी आएगा, टी कितना आ रहा है 400/3 और यही इसकी रीडिंग होगी 400/3, और आपने टेंशन मेजर करनी है, क्लियर यहां तक। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये रहा, इसमें कह रहा है 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन है, तो बताओ इस केस में आंसर क्या आएगा, रीडिंग 10 न्यूटन ही आएगी, क्यों, क्योंकि इसका मास तो है नहीं, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी टेंशन यहां डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, तो टेंशन यहां पर जो आएगी वो 10 न्यूटन ही आएगी, ना 20 नहीं होता, 10 होता है हमेशा, रीजन है ना, ये देखो सपोज करो ये स्ट्रिंग है, हाँ मैंने लगाई 10 न्यूटन, यहां लगाई मैंने 10 न्यूटन, तो टेंशन में ये मूव तो कर नहीं रहा, तो टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये मूव तो कर नहीं रहा, टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो रस्सी की टेंशन कितनी आई, 10 न्यूटन, 20 कैसे आई, अगर हाँ नेट फोर्स वैसे जीरो आएगी, पर खींचेगा तो सही स्प्रिंग, ये तो है नहीं कि रीडिंग नहीं आएगी, रीडिंग तो आएगी, टेंशन मेजर करनी है, वो लॉजिक लगाना, तुम भी खींचोगे मैं भी खींचूंगा ज्यादा खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही है टेंशन 10 न्यूटन आ रही है ना, आंसर 10 ही है, मैं बताता हूं ना, जो दूसरी जगह खींचना होता है वो रिलेटिवली यही माना जाता है कि वो सीलिंग है उसकी, वो ये माना जाता है कि एक ने पकड़ के रखा हुआ है और दूसरा उसको खींच रहा है, राइट, तो आंसर सेम ही आता है, ठीक, आपने कुछ नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं बस फाइन टेंशन, अपना लॉजिक कुछ नहीं लगाना, मैं ऐसे खींच दूंगा वैसे खींच दूंगा, कुछ नहीं करना, फाइन टेंशन बस, आपके सारी किताबों के क्वेश्चन तो लिख दिए, हर कोई तो टेंशन निकाल रहा है, तो आप अपने वो लॉजिक नहीं लगाओगे, तुम इधर खींचोगे मैं इधर डबल करूंगा, कुछ नहीं, मैथमेटिकली फाइन टेंशन, बोल पकड़ टेनेंट इसमें, हाँ बॉक्स, नहीं नहीं ये तो डिब्बे ऐसे दिखा रहा हूं बैलेंस, इसके अंदर तो स्ट्रिंग निकल रही है पूरी, वो स्ट्रिंग की टेंशन मेजर करनी होती है, तो वो टेंशन तो मास, ये सब मासलेस है, तो ये नहीं है, ये 10 केजी का नहीं है, ये तो 10 जी वेट है, तो यहां रस्सी में टेंशन 10 जी 10 जी 10 जी और 10 जी, इसलिए रीडिंग हर में 10 जी, राइट, ऐसे है, अपना मास कोई नहीं है इनका, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब जैसे सपोज करो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर एक बैलून गिवन होगा, बैलून या लिक्विड गैस के क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्या कहेगा, गैस नीचे निकल रही है और बदले में बैलून ऊपर जा रहा है, तो बैलून पे फोर्स निकालो, ऐसे क्वेश्चन में दो तीन चीजें गिवन होती हैं, पहली चीज गिवन होगी आपको गैस की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी इसमें हमेशा कॉन्स्टेंट गिवन होगी, जितनी भी गिवन होगी मान लो कितनी 5, फिर आपको गिवन होगा कि कितनी गैस निकल रही है पर सेकेंड, तो मास पर यूनिट टाइम, तो 10 केजी की गैस निकल रही है एक सेकंड में, राइट, और फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या होती है डीपी बाय डीटी, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, नॉर्मल क्वेश्चन में सॉलिड्स के क्वेश्चन में बॉडीज के क्वेश्चन में मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, लिक्विड और गैसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और मास पर सेकंड गिवन होता है, तो वेलोसिटी आपको 5 गिवन है और मास पर सेकंड कितना है 10 केजी पर सेकेंड, तो आंसर 50 न्यूटन की फोर्स बैलून पे लगेगी, बस ये याद रखना, और ये प्रॉब्लम सिर्फ दो ही केस में आती है, गैस या लिक्विड के अंदर आती है, सॉलिड में मास कांस्टेंट होता है, ब्लॉक्स में मास कांस्टेंट होता है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। फिर दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा, ट्यूब वाला क्वेश्चन आता है, ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड बाहर निकल रहा है,
ये रहा, और दीवार को हिट कर रहा है, फोर्स निकाल लो कितनी फोर्स से हिट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होता है ट्यूब का ए, राइट, और वेलोसिटी पानी की गिवन होगी कॉन्स्टेंट वे। तो लिक्विड्स का चैप्टर हमने किया था, लिक्विड में किया करते थे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वन वी वन ए टू वी टू। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता था, एरिया इंटू वेलोसिटी। वो क्यों होता था बताता था मैं, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वॉल्यूम फ्लोइंग सेकेंड का फॉर्मूला होता है, याद रखना है। फोर्स क्या होती है, डीपी बाई डी टी, पी इज मास इंटू वेलोसिटी। लिक्विड और गैस में मास चेंज होता है, मास पर सेकेंड गिवन होता है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। तो वेलोसिटी बाहर आ गई, क्या बचा, डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी का मतलब क्या होता है, मास, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी मैंने प्रूफ किया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्लियर। तो फिर वेलोसिटी इसकी जगह एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको ऐसे, एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू डेंसिटी। फॉर्मूला याद नहीं करना, ट्रिक याद करना है कैसे किया, क्लियर यहां तक। तो गैस और लिक्विड के क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट दी जाएगी और डीएम बाई डी टी की वैल्यू को कैसे भी चेंज करके आपको देगा वो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, सिमरन तीनों ठीक है, पीछे सबको क्लियर है, ठीक। कई बार क्वेश्चन ऐसे गिवन होते हैं, टेंशन टेढ़ी होती है, मतलब टेढ़ी रस्सी है, और कहेगा इक्विलिब्रियम है। टेढ़ी कैसे हो सकती है भाई, मैंने पकड़ के रखा है, मैंने कितनी फोर्स से पकड़ा हुआ है, 100 न्यूटन, और मैंने क्या मेंटेन किया हुआ है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है। तो टेंशन टी है, थीटा थीटा ऑल्टरनेट, टी के दो कॉम्पोनेंट, टी कॉस टी साइन, और इसका खुद का वेट कितना है, 15 g गिवन है। जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी, टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं, और फिर ये बोलना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर वर्टिकल फोर्सेस आपस में कैंसिल करेंगी, यानी कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 g एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू 100, ये रहा। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा, टेन थीटा आ गया। आपको इस प्रॉब्लम में टेंशन निकालनी है, तो टेंशन का फॉर्मूला टी साइन थीटा 100, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा अगर 2/3 है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√13, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2/√13, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इक्वेशन समझ में आ रही है कि टेंशन को कैसे रिजॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें, क्या चीज, नॉर्मल हवा में है ये ब्लॉक, हवा में नॉर्मल नहीं होता ना, ग्राउंड से टच करोगे तभी नॉर्मल आएगा, ठीक। जैसे इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, वो क्या कि सपोज करो दो रस्सी हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, अलग अलग एंगल पे बंधी हुई हैं, एक अल्फा और एक बीटा, इसका वेट कितना है, mg है। तो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, तो टेंशन भी सेम कैसी होगी, टेंशन वेरी करेगी। मतलब किसी ने अलमारी हवा में उठानी है, एक बिल्डिंग है वहां चढ़ गया, एक वहां चढ़ गया, अब अलमारी होगी टेढ़ी, एक की रस्सी बड़ी है एक की रस्सी छोटी है, तो ऑब्वियसली किसी ने जोर सही नहीं लगाया ना, बराबर जोर नहीं लगा, इसका मतलब टेंशन चेंज होगी, तभी तो एंगल डिफर कर गया। तो सेम चीज है, बीटा बीटा सेम, ऑल्टरनेट अल्फा अल्फा सेम। इस क्वेश्चन में टेंशन निकालनी है और सिस्टम इक्विलिब्रियम रेस्ट पे ही है। टेंशन का कॉम्पोनेंट टी साइन टी कॉस, टी टू का टी कॉस टी साइन। इक्विलिब्रियम के अंदर दिस इज इक्वल टू दिस, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, कहने का मतलब टी वन कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू टी टू कॉस बीटा, और अपवर्ड फोर्स कितनी है, टी वन साइन अल्फा प्लस टी टू साइन बीटा इज इक्वल टू mg। दो इक्वेशंस क्लियर है। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना, एग्जांपल दिया है, जैसे यहां से t1 निकाल लो, t1 क्या आएगा, t2 cos beta by cos alpha, इस t1 को यहां पुट कर दो, ये रहा। तो इसको LCM लोगे, cos alpha LCM लोगे तो ये टर्म आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके t2 कॉमन आएगा, तो साइन ए cos b, cos a sin b, मेडिकल वाले लोग समझ लें, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस b का, तो t2 कैन बी कैलकुलेटेड। इस t2 को जहां यहां पुट कर दो तो t1 कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन मैंने लिखा हुआ है इसमें, तो नॉन मेडिकल वालों को समझ आ रहा होगा, मेडिकल वालों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन मिलेगा आपको, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, देखते ही पता लग जाता है कि क्या आंसर होगा। मेथड समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन समझ में आ रही है कैसे फॉर्मुलेट होंगी।
जैसे सपोज क्वेश्चन आएगा, एक पुली है, ये रही पुली, ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 20 kg का है, तो ये सिस्टम नीचे जाएगा, सबको पता है। तो अगर मैं कहूँगा टेंशन और ए निकाल लो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 20g - t = 20A और t - 10g = 10A, सॉरी t = 10A, पीछे नहीं है, t = 10A। सॉल्व करके टेंशन आ गई, क्वेश्चन टेंशन पे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये देख रहे हो ये रॉड जिसपे पुली टिकी हुई है, इस पे कितना जोर पड़ रहा है, तो इसका डायग्राम जब अलग बनेगा, तो यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, तो ये 90° पे है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डिवीजन से नेट फोर्स इस क्लैंप पे पड़ेगा, क्लैंप पे नेट फोर्स क्या आएगा, √t² + √2t। टी आप निकाल चुके हो, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लैंप की फोर्स आएगी, समझ में। क्लैंप की फोर्स के लिए एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना है आपके, आपने कोई डाउट इसमें, राइट। मूविंग पुली, मूविंग पुली के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास एक मास है M1 और एक M2 और एक पुली है। अब मूविंग पुली की क्या प्रॉब्लम है कि ये रस्सी इधर से घूमती हुई वापस यहीं चली जाती है, और ये पुली फिक्स्ड है और ये घूम घूम के ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसका एग्जांपल दिया गया है कि अगर ये 1 meter लेफ्ट आती है और ये 3 meter लेफ्ट आती है, राइट जाती है 1 और 3 meter, तो ये जो रस्सी नीचे की तरफ आ रही है कुल मिला के 4 meter लूज हो रही है। अब 4 meter में से ये रस्सी अगर 4 meter सीधी जाती तो ठीक है, ब्लॉक भी 4 meter सीधा आता, रस्सी को फोल्ड कर दिया, अब 4 meter जब फोल्ड करोगे तो आधा आधा कितना हो गया, 2-2 meter, तो यानी कि ये पुली कितना नीचे उतरेगी, 2 meter, ये 4 meter नहीं उतरेगी, क्योंकि यही रस्सी फोल्ड होके अब इधर भी जा रही है, इधर भी लेंथ है और इधर भी लेंथ है। तो मूविंग पुली की यही प्रॉब्लम होती है कि मूविंग पुली में रस्सी घूम के ऊपर चली, तो जितना लूज यहां से होगा स्ट्रिंग, जितना लूज यहां से होगा टोटल कर लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो कुल मिला के अगर ये 1 meter और 3 meter लूज हुई थी 4 meter, तो 1 + 3/2 यानी कि 2 meter ही ये पुली नीचे जा पाएगी। सेम पैटर्न पे अगर ये वेलोसिटी इसकी v1 है और वेलोसिटी v2 है, तो आपको बताने है पुली घूमती घूमती कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगी, सेम प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाती है तो वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। तो इधर से v1, इधर से v2, तो नीचे आने की वेलोसिटी कितनी, v1 + v2/2, और एक्सेलरेशन भी सेम रूल है, अगर इधर से a1, इधर से a2, तो नीचे आने के लिए a1 + a2/2। इस रिजल्ट को ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो रिजल्ट है कि हाफ 1/2 हो जाता है, रिजल्ट ऐसे आएगा, वो एक पोर्शन को तो फिक्स कर देगा, तो इस पोर्शन की एक्सेलरेशन इज 0, वो कहेगा कि यहां से एक्सेलरेशन इज a, तो बताओ पुली कितना नीचे आ रही है, कितनी एक्सेलेरेशन से, तो सेम रूल है, इधर से a, इधर से 0, तो एवरेज करो a + 0/2 यानी कि a/2, तो पुली नीचे आएगी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ a/2। क्लियर है यहां तक? तो मूविंग पुली का एक प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करो ब्लॉक है, बाकी सब सेम है, ये फिक्स पुली है और ये मूविंग पुली है, मूविंग पुली अगर ये a एक्सेलेरेशन से आ रही है, तो इसकी एक्सेलेरेशन a है, इसकी 0 है, तो पुली की नीचे आने की एक्सेलेरेशन क्या होगी, a/2। अभी क्या शॉर्टकट, ये a है, ये 0 है, तो a + 0/2 ये रहा, तो ब्लॉक भी नीचे कितनी एक्सेलेरेशन से आएगा, a/2, राइट। तो मूविंग पुली की प्रॉब्लम में अगर ये वाले ब्लॉक की एक्सेलेरेशन a है, तो मूविंग पुली की एक्सेलेरेशन नीचे आने की हमेशा हाफ होती है, राइट। टेंशन के अंदर ये टी, ये टी पूरी रस्सी में टी, लेकिन ये थ्रस्ट ऑन पुली, थ्रस्ट याद है अभी किया था, तो थ्रस्ट की वजह से यहां टेंशन क्या हो जाती है, डबल होती है, 2t + 2t। तो मूविंग पुली की खास बात यही है कि इस पोर्शन में टेंशन डबल होती है, लेकिन मूविंग पुली की एक्सेलेरेशन हाफ होती है। तो इक्वेशन बनाए, ये कहा जा रहा है नीचे, तो नीचे की फोर्स कितनी है 20g, ऊपर की कितनी है 2t, तो 20g - 2t = 20 × a, 20 × फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। और ये कहा जा रहा है ऊपर, तो t - 10g sin 30 = 10 × a, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, a t 2t a/2, जो क्वेश्चन पूछा होगा निकाल लेना। मेन चीज ये डायग्राम है, ये डायग्राम कैसे बन रहा है, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्लीज। जैसे ये रहा, इसके अंदर भी ये मूविंग पुली है, प्लीज घूम के आगे पीछे हो सकती है, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसके अंदर तो टेंशन टी एन टी है, डन। इसकी जो ये ब्लॉक है,
इसको मैं 100 न्यूटन की फोर्स दे रहा हूं, तो अगर यहां टेंशन टी एन टी है तो थ्रस्ट ऑन दी पुली की वजह से क्या जाएगा, 2T। ये भी स्टेप क्लियर है, थ्रस्ट ऑन दी पुली 2T होता है। फिर उसके बाद अगर ये एक्सेलेरेशन ए से इधर जा रहा है तो इसकी एक्सेलेरेशन पक्की बात है कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, क्योंकि जब पुली मूव करती है तो ये ए, ये जीरो क्योंकि तो बना हुआ है, तो एवरेज आउट कितना हो गया, ए प्लस जीरो बाय टू। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 100 2t a/2, और इसकी t इज इक्वल टू 10 into a। सॉल्व कर लेना आंसर, मेन चीज है a/2 और 2t को पहचानना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। और लिफ्ट वाले केस में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बंदा लिफ्ट में है और लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे एक्सेलेरेट कर रही है, बताओ वो कितनी एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट कर रही है जब उस एपरेंट वेट, मशीन के ऊपर एपरेंट वेट कितना आ रहा है, mg/4। और मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि n को ही क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। और जब लिफ्ट नीचे आती है तो n का फॉर्मूला क्या होता है, m(g) - a, एपरेंट वेट पता है, यहां से सॉल्व करके a कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इन टाइप की एपरेंट वेट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, जैसे सपोज एक मंकी या मैन स्ट्रिंग के ऊपर या फायरमैन ऊपर चढ़ रहा है, जब वो ऊपर चढ़ेगा तो जितनी ऊपर तेजी से चढ़ता है, याद रखना टेंशन उतनी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ये रस्सी है और आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या है, यानी कि इक्वेशन क्या बनती है, t - mg is ma, तो t is equal to m into g। आप खुद देखो, अगर आप यहां से a बढ़ाते जाओगे तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड t भी बढ़ता जाएगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर रस्सी बहुत तेजी से चढ़ रहे हो तो रस्सी टूट भी सकती है, आराम से चढ़ना होता है रस्सी को, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ ये मैन कितनी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम से चढ़ सकता है कि रस्सी जो टूटेगी वो क्वेश्चन में गिवन है वो 100 न्यूटन पे टूट जाएगी। जब ये मैन ऊपर चढ़ेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्स कितनी है, टी, और नीचे की एमजी, तो ऊपर में टी शुड बी ग्रेटर देन एमजी, तो t max - mg is ma। ये इक्वेशन क्लियर है, ऊपर की फोर्स t max - mg is m into a max, भाई जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो एक्सेलेरेशन भी लास्ट वैल्यू होगी 100। तो यहां से टी मैक्स गिवन है, एमजी पता है, ए मैक्स निकालना है आंसर। स्टेप समझ में आ रहा है कि जब फायरमैन या मंकी ऊपर चढ़ेगा इक्वेशन टेंशन के साथ कैसी लगेगी, ठीक। और अगर नीचे उतरेगा तो mg - t is ma, उल्टा t - mg नहीं mg बड़ा हो जाएगा और t छोटा हो जाएगा। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे एक मंकी ऊपर चढ़ रहा है, 60 kg का मास है और रस्सी इस तरीके से टेढ़ी एक क्लैंप से बंधी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है ये क्लैंप को उखाड़ने के लिए अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड है टोटल 360। ऊपर उठाने के लिए क्लैंप ऐसे नहीं निकलता, क्लैंप ऐसे निकलेगा, तो अपवर्ड फोर्स क्लैंप की मैक्सिमम 360 है। तो मुझे पता है यहां क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो टेंशन के दो कॉम्पोनेंट है t cos t, तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि t sin 30 की फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, t sin 30 मैक्सिमम कितनी हो सकती है 360। तो अगर मैं t sin 30 360 पुट करता हूं मैक्सिमम, तो मेरी टेंशन भी क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा टेंशन और प्रोड्यूस मत करना। तो मैक्सिमम टेंशन जो एक स्ट्रिंग सपोर्ट कर सकता है इस क्वेश्चन में वो कितना होगा, 720। क्या स्टेप क्लियर है, राइट, क्योंकि अपवर्ड फोर्स t (sin 30) आपको 360 के बना है, तो t की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन वही पुराना है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बताओ जिससे मंकी ऊपर चढ़ सकता है, तो t - 60g is 60a, उसकी स्ट्रिंग तो सीधी है ना, तो t - 60g is 60a, पर क्योंकि उसने एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कहा तो टेंशन भी क्या होनी चाहिए, और टेंशन मैक्सिमम कितनी है 720। बाकी क्वेश्चन सेम है, एक्सेलेरेशन कैन बी कैलकुलेटेड। क्लैंप t sin, हाँ ऐसी इसकी वजह से, क्योंकि क्लैंप ऐसे नहीं निकालना ना, क्योंकि वो नहीं तो मिट्टी उखड़ जाएगी, ऐसा कुछ केस गिवन नहीं है, तो क्लैंप तो ऐसे निकलेगा बस, हाँ प्रैक्टिकली ऐसे भी निकल जाता है, वैसे ऐसे करोगे तो
वो इसमें गिवन नहीं ना, कंडीशन नहीं है, वो ऐसे ही निकल सकता है, मतलब इतना फ्लोर पक्का है कि वो उखड़ेगा नहीं, बस क्लैंप निकालना तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, मर्जी है उसकी देने वाले की। वो कहता है कि मुझे वर्टिकल फोर्स देनी है तो वर्टिकल फोर्स दे दे, हमें क्या, हमारी तरफ से हॉरिजॉन्टल दे देता, हम हॉरिजॉन्टल को 360 ले लेते, जो भी कहेगा हम तो वैसे ही लेंगे ना। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ये है, दो मंकीज हैं, दो मंकीज हैं ए और बी, तो क्वेश्चन है कि ये दोनों के दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं, इसने इसकी टेल पकड़ी हुई है और ये दोनों ये रस्सी है, रस्सी पे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इनका मास 5 और 2 केजी है। आपको बताना है मैक्सिमम टेंशन, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम टेंशन टेल कैन सपोर्ट इज 30 न्यूटन, ये जो टेल है ये 30 न्यूटन की मैक्सिमम टेंशन सपोर्ट कर सकती है, ज्यादा तेज ये मंकी ऊपर चढ़ेगा तो ये टेल टूट जाएगी, टेंशन ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बताना है कि इस केस में यहां टेंशन कितनी हो जाएगी मैक्सिमम। फिर अब देखो, आप मंकीज को छोड़ो, दो ब्लॉक्स एक ही बात है, ये ज्यादा समझ में आता है हमें, तो दो ब्लॉक्स हैं, ये दो ब्लॉक्स ऊपर चढ़ रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जाएगा, मुझे पता है कि इसका वेट 2g है, इसका 5g है, और यहां टेंशन कितनी ले सकता हूं मैक्सिमम 30, तो मैंने 30 ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन बोलो 30 - 2g इज 2 into a, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 5, यानी कि ये ऊपर 5 की एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है, तो ऑब्वियसली ये भी 5 की एक्सेलरेशन से चढ़ेगा, दोनों इकट्ठे चढ़ रहे हैं विद द सेम एक्सेलरेशन, तो इसकी एक्सेलरेशन 5 kg की, अगर a आपको 5 पता है तो टेंशन निकालनी है, तो इक्वेशन बनाओ t - 5g + 30 = 5 into a, तो एक्सेलरेशन आपको कितनी पता है 5, टेंशन कितनी आ गई 105।